दोस्तों, मैं हूं अमजित कौर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरी सभी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, ये उन सभी मदर्स के लिए है, उन मेरे सभी व्यूवर्स के लिए है, मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए है जो मैरिड हैं और बेबी होने के बाद उनका जो टमी फैट है वो कम नहीं हो रहा है। तो वो कैसे उन्हें कम कर सकते हैं, उनका जो फैट चढ़ा हुआ है पेट के ऊपर वो कैसे कम कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में उनको कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और जो चीज मैं बता रही हूँ बहुत ईजी है, जस्ट इसे फॉलो कीजिएगा। कई लोगों की शिकायत होती है, मेरी काफी जो लेडीज हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तो उनका क्या होता है कि वो बोल रही है कि उनकी जो बाजू की जो फैट है वो कम हो गई है बेबी होने के बाद, और उनकी जो थाइस की फैट है वो भी कम हो चुकी है, लेकिन उनका जो टमी फैट है वो बर्न होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे हम टमी ममी या ममी टमी फैट नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इस ममी टमी फैट को बर्न करने के लिए मैं आपके साथ एक ड्रिंक शेयर करूंगी। इस ड्रिंक को हमने 3 इंग्रेडिएंट की मदद से बनाना है। हम इसमें 3 इंग्रेडिएंट यूज करेंगे जिसकी मदद से हम इस ड्रिंक को बनाएंगे, यूज करेंगे, पियेंगे और अपने ममी टमी फैट को कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आप लेंगे 3 चीज। सबसे पहले 5 से 6 लीव्स, कड़ी लीव्स के लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए और 1 गिलास पानी के में उसके अंदर डाल दीजिए, और उसमें आपने लेना है 1 चम्मच जीरा। जीरा वेट को कम करने में बहुत बेनिफिशियल होता है, तो 1 चम्मच जीरा लीजिए। 1 चम्मच लीजिए अजवाइन, जो वेट को कम करती है, पेट पे चढ़ी हुई एक्स्ट्रा चर्बी को कम करती है, गैस कब्ज को नहीं बनने देती, फेस क्लीन होता है, क्योंकि अगर आपका फेस क्लीन होगा उसकी वजह होगी कि आपका पेट बिल्कुल साफ है। अगर पेट साफ नहीं है तो आपके चेहरे पे इसका जो रिएक्शन है, इसका इफेक्ट है, वो नजर आना शुरू हो जाता है। तो तीनों चीजों को आपने एक पैन में डालना है 1 गिलास पानी के साथ, और उसे गर्म कर लेना है। तीनों चीजों की प्योरिटीज जो पानी के अंदर आ जाएंगी, तब आपने गैस को बंद कर देना है, और दोस्तों इसे पूरी रात ढक के रखना है। सुबह उठकर खाली पेट आपने इसे छान कर पी लेना है। हर रोज अगर आप इसे पीती हैं दोस्तों, तो आपके पेट पे चढ़ी हुई चर्बी कम हो जाती है, वेट कम करने में ये बहुत मददगार होता है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक आपके साथ एक्सरसाइज शेयर की थी जिससे मम्मी टमी फैट को आप कम कर सकती हैं, वेट लूज करने में बहुत मददगार होता है। आफ्टर बेबी जो पेट पे चढ़ी चर्बी कम होने का नाम नहीं लेती, जिद्दी फैट होता है, वो उन एक्सरसाइज से कम होगा। दोस्तों, आप प्लीज मेरा वो वीडियो जाइए, इस वीडियो पे जाएं और इस वीडियो को चेक कीजिए। इस वीडियो में मैंने सभी एक्सरसाइज बताई हैं जिससे आप अपने पेट पे चढ़ी हुई चर्बी को कम कर सकती हैं, वेट कम करने में ये बहुत मददगार एक्सरसाइजेस हैं। और दोस्तों, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, अगर आप गुनगुना पानी पी सकती हैं तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, आप इन सभी मेरी जो चीजें हैं ना, फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका वेट कम होगा और जो पेट पे चढ़ी हुई चर्बी है डेफिनेटली कम होगी। एक्सरसाइज जरूर करें, पेट की जो एक्सरसाइज मैंने उसके अंदर बताई है उस वीडियो में, आप वो फॉलो कीजिए। उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक बार लिख दूंगी, आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके साथ साथ अपनी डाइट पे ध्यान जरूर दीजिए। आई नो बच्चे होने के बाद आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि आप अपने आप को दे पाएं, लेकिन अगर आप अभी आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगी तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन फ्यूचर प्रॉब्लम्स को पहले ही दिमाग में डालकर रखिएगा, ताकि आपको उनका सामना ना करना पड़े। पीएम पे जब अपने बच्चों के साथ जाएंगी तो आपके बच्चे खुद आपको बोलेंगे, यार मम्मा आप कैसे हो और मेरी फ्रेंड की मम्मा कैसी है। तो इन चीजों से आपको बहुत एम्बैरेसमेंट फील होगा, तो इन चीजों से बचिए, अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए मम्मीज। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इस वीडियो में जो चीज बताई है उसे फॉलो कीजिए, इस ड्रिंक को हर रोज पिए, और जो पेट की एक्सरसाइज मैंने बताई है उसे जरूर कीजिए। अगर आप घर पर कोई भी ऐसा काम कर रही हैं जिससे आपका वेट कम हो सकता है, पेट की चर्बी कम हो सकती है, तो वो जरूर कीजिए। अगर आप घर पे डस्टिंग का काम कर रही हैं तो ऐसी डस्टिंग कीजिए जिससे आप अप डाउन आपकी बॉडी हो, जिससे आपका वेट कम होता रहे, आपकी जो पेट की एक्सरसाइज भी होती रहे। ऐसे कुछ एक्सरसाइज फाइंड करते रहिए, अपने बच्चों के साथ कुछ खेलें जिससे आपका वेट कम हो सके, पेट की चर्बी कम हो सके। और गूगल सर्च कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो पेट के रिलेटेड डाली हुई हैं जो पेट का जो चर्बी है वो कम करती हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसी वीडियोज भी डाली हैं जिससे आप अपना वेट कम कर सकते हैं। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज पे जाएं, अमजित कौर वेट लॉस पे सर्च करें, वो वीडियोस आप देखिए। और अगर आप अपना पेट की चर्बी कम करनी चाहती हैं तो इस एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, मेरा जो पिछला वीडियो है
उसे फॉलो कीजिए, दोनों को फॉलो कीजिए। डेफिनेटली 1 मंथ में आपकी पेट की चर्बी बिल्कुल गायब हो जाएगी, डेफिनेटली गायब होगी। तो आप इसका रिव्यू भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इस चीज़ों को बनाइए। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें जो शायद मैंने आपको नहीं बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जीरा, अजवाइन और जो हमने करी लीव्स लिए हैं, इसमें क्या चीज़ होती है जो हमारे पेट को डाउन करती है, पेट को रिड्यूस करने में मदद करती है, बैली फैट को कम करने में मदद करती है। तो चलिए जान लेते हैं वो भी। गाइस, जीरा और अजवाइन जो हमने इसमें यूज़ किया है, ये डाइजेशन को ठीक रखता है, पेट साफ रखता है, गैस और कब्ज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ये आपके पेट की सभी प्रॉब्लम से आपको राहत दिलाता है। तो जीरा और अजवाइन वेट लूज करने के लिए बहुत मददगार होता है, तो इसे यूज़ कीजिए। साथ में दोस्तों, बॉडी की इम्प्योरिटीज़ को प्रूव करता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बेस्ट और उत्तम माना जाता है। करी लीव्स में दोस्तों फाइबर पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, विटामिन इसमें ए पाया जाता है, बी, सी और ई भी पाया जाता है, और अमीनो एसिड भी डाला जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये आपको हेल्दी भी बनाता है और साथ साथ बहुत ही इफेक्टिव होता है वेट को कम करने के लिए। और दोस्तों एक बात और चीज़ बता दूँ आपको कि शुगर पेशेंट जो है, डायबिटीज पेशेंट जो है, उनके लिए ये ड्रिंक बहुत बढ़िया है, वो भी इसे ले सकते हैं। इसे लें, आपके पेट की चर्बी को कम करें। इसके रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हिट के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। और दोस्तों, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक गुड बाय।